अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूँ खालिद भट्टी। आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे आज सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट में तीन रुकनी बेंच जो कि चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फायदीसा साहब की सरबराही में कायम था, जिसमें जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जनाब जस्टिस मुसर्रत हलाल पी साहबा शामिल थी। तीन रुकनी बेंच ने तहरीक इंसाफ से उसका बल्ला दोबारा छीन लिया। तहरीक इंसाफ आज के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अमलन अब इंतखाबात से बहैसियत जमात बाहर हो गई है। उसके उम्मीदवार जो हैं वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा फैसला है, इस पर तहरीक इंसाफ के ऊपर बहुत बुरे असरात होंगे। तहरीक इंसाफ बहैसियत जमात जब इलेक्शन नहीं लड़ेगी तो उसके जितने भी लोग असम्बली में आएंगे उनको खवातीन की मखसूस नशस्तें नहीं मिलेंगी, अकलीतों की नशस्तें नहीं मिलेंगी, ना कौमी असम्बली में और ना ही उनको सूबाई असम्बलियों में। और जब वो एज बहसियत जमात मौजूद नहीं होंगे तो उसके बाद फिर सैनट के इलेक्शन है, सैनट के इलेक्शन के बाद फिर सदर ममलकत के लिए इलेक्शन होंगे, सदर ममलकत के लिए इंतखाब होगा। तो ये सारे इशूज़ जो हैं वो तहरीक इंसाफ को इस वक्त आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उसके जो सियासी नतज हैं वो तहरीक इंसाफ को भुगतने पड़ेंगे। अब ये जो इससे पहले कि हम तफसीलात में जाएं और आपके सामने तफसीलात रखें कि इसके क्या मुमकिन सियासी असरात होंगे, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें, आपको व्लॉग पसंद आए इसको शेयर करें, लाइक करें, महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, उसका जो बटन है उसको ज़रूर दबा दें ताकि आपको बर वक्त हमारी नई वीडियो मिल सके। अब हम बढ़ते हैं आज के मौजू की तरफ। तीन रुकनी बेंच ने दो दिन तक इलेक्शन कमीशन की, एक दिन इलेक्शन कमीशन के वकील मखदूम अली खान साहब को सुना, उनकी जो उन्होंने ये चैलेंज किया था पेशावर हाई कोर्ट का फैसला। उसके बाद आज सारा दिन जो है वो पहले सैयद अली रजा सेनेटर हैं उनको सुना, उसके बाद जो हामिद खान साहब हैं सीनियर वकील हैं उनको सुना, तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, उसके बाद फिर जवाबुल जवाब दिया मखदूम अली खान ने, उसके बाद फिर फैसला महफूज हुआ और फिर रात को रात गए जो है वो फैसला सुना दिया गया। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का जो हुक्म था जिसमें पेशावर हाई कोर्ट के दो रुकनी बेंच ने 22 दिसंबर का इलेक्शन कमीशन का फैसला, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने ये कहा था कि पीटीआई साफ शफाफ और दुरुस्त तरीके से कानूनी तरीके से इलेक्शन करवाने में नाकाम रही और उसकी बुनियाद पर बल्ले का निशान वापस लिया था, तो पेशावर हाई कोर्ट ने उसको बहाल कर दिया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट के उस फैसले को कालेदम करार दे दिया और जो ऑब्जर्वेशंस दी थी जज साहबान ने उसको भी उन्होंने कहा कि वो अनकॉल्ड फॉर थी, वो गैर जरूरी थी और सवालात उठाए और उसको फ्लॉट कहा जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था। तहरीक साहब बहुत खुश थी लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया फैसले पे और उसको चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में और आज सुप्रीम कोर्ट ने बिलाकर फैसला सुना दिया। अब दो आरा पाई जाती हैं इस फैसले के बारे में सुप्रीम कोर्ट के आज के। एक तो वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये अच्छा आगाज है, इसके बाद बाकी सियासी जमातों को भी इसी तरह ही जांचा जाना चाहिए, उनके इलेक्शंस पे भी इसी तरह इलेक्शन कमीशन को नजर रखनी चाहिए और किसी को रायत नहीं मिलनी चाहिए। जब तफसीली फैसला आएगा इस केस का, आज तो 5 सफात का मुख्तसर फैसला आया तहरीरी, जब तफसीली फैसला आएगा जो रीजनिंग होगी तो मेरा ख्याल है कि एक प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल जो इंटरनल इलेक्शन इंटरनल डेमोक्रेसी के हैं वो ले डाउन हो जाएंगे और फिर इलेक्शन कमीशन को उसको फॉलो करना चाहिए, हर सियासी जमात के इलेक्शन को इसी तरह देखना चाहिए। और अगर सियासी जमातें जो हैं वो ढोंग करती हैं, महज ड्रामा करती हैं और उसके नाम पे जो है वो एक जाली कार्रवाई जमा करवा देती हैं इलेक्शन के नाम पे, तो ये सिलसिला बंद होना चाहिए, हकीकी इलेक्शन होने चाहिए, तमाम मेंबरान को मौका मिलना चाहिए वोट डालने का, इलेक्शन में हिस्सा लेने का। अगर पाकिस्तान में लोग कहते हैं, सियासी जमातें कहती हैं कि ये हर पाकिस्तानी शहरी का हक है कि वो सियासी जमात बनाए, इलेक्शन में वोट डाले, तो जमात के इलेक्शन में क्यों ना वोट डालें जो उस जमात का मेंबर है? आप मेंबर को क्यों वोट के हक से महरूम करते हैं, उसको इलेक्शन लड़ने के हक से क्यों महरूम करते हैं? तो ये एक तो ये नुकता नजर है कि ये आगाज है और दुरुस्त सिमत की तरफ आगाज है। उसके सियासी असरात तहरीक इंसाफ के लिए जाहिर है बहुत बुरे और मुजर होंगे, उस पर बाद में बात करते हैं। दूसरा नुकता नजर यह है कि काजी फायदीसा साहब ने वही किया जो कि जस्टिस हाकिम निसार ने मुस्लिम लीग नून के साथ किया था। इन दोनों चीजों में बहुत फर्क है। तहरीक मुस्लिम लीग नून के इलेक्शन का मामला नहीं था,
वहां मामला था कि नवाज शरीफ जो उस वक्त मुस्लिम लीग नून के सदर थे, जिनको मुस्लिम लीग नून ने सदर बना दिया, उनको डिस्क्वालीफाई किया था सुप्रीम कोर्ट ने फॉर लाइफ। तो उन्होंने पार्टी टिकट्स जारी किए थे। जब उनकी सदारत खत्म की सुप्रीम कोर्ट ने, तो कहा कि जो टिकट्स जारी हुई हैं वो भी खत्म, उनकी कोई हैसियत नहीं है कानूनी। और मुस्लिम लीग नून के उस वक्त सेनेट के जो उम्मीदवार थे उनको आजाद हैसियत से लड़ना पड़ा था। पार्टी मौजूद थी, पार्टी के ऊपर क्वेश्चन नहीं था, मियां नवाज शरीफ की सदारत पे क्वेश्चन था, जिसकी बुनियाद पे तमाम जो सेनेट के अरकान थे उनको आजाद हैसियत से, मुस्लिम लीग नून की जो टिकट जारी हुए थे उनको फिर टिकट के बगैर आजाद हैसियत से लड़के सेनेट में जाना पड़ा। बाद में वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। यहाँ सूरत हाल यह है कि इलेक्शन ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आज अपने फैसले में कि सुप्रीम तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कराने की जहमत ही गवारा नहीं की, अपने आइन के मुताबिक इलेक्शन नहीं करवाए, और बहुत वाजे खुल के ये सारी बातें सामने आ गई। अब तहरीक इंसाफ मजलूमियत का कार्ड एक दफा फिर खेलना चाहती है। तहरीक इंसाफ का दरअसल ये सिलसिला है, वो काम इस तरह करते हैं, खुद गलत काम करते हैं, दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं, फिर जब आगे से जवाब आता है कानून और आइन के मुताबिक तो फिर उसके ऊपर मजलूमियत का रोना रोती है तहरीक इंसाफ। और ये मुसलसल वतीरा है तहरीक इंसाफ का, आज का नहीं है, ये शुरू से ही है, 2021 से ये मामला चल रहा था। अगर तहरीक इंसाफ संजीदा होती तो ये मामला बहुत पहले तय हो जाता, बाकी पार्टियों की तरह वो भी इलेक्शन करवाते और ECP में जमा कराते। तहरीक इंसाफ पहले भी ऐसे करती थी, उसके बाद जो है वो सारा मामला जो है ये ना खड़ा होता, लेकिन उसको संजीदा नहीं लिया, क्योंकि जो लाडलापन होता है ना, जब आप लाडले रहे होते हैं तो फिर आप बहुत सारी चीज़ों की परवाह नहीं करते, जो सिस्टम होता है वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, आपके लिए दरवाजे खोलता है, रास्ते खोलता है। लेकिन जब आपकी सिस्टम से लड़ाई हो जाती है तो फिर सिस्टम आपके लिए दरवाजे खुले होते हैं वो भी बंद करता जाता है, खिड़कियां भी बंद कर देता है, जो रोशनदान होते हैं छोटे छोटे वो भी बंद कर देता है। तो ये अब तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है। तहरीक इंसाफ ने लाडलेपन का फायदा उठाकर लड़ाई करने की जो कोशिश की थी उसका उसको बहुत नुकसान हुआ है, 9 मई के वाकयात का बहुत नुकसान हुआ है। जो सियासत तहरीक इंसाफ कर रही है अप्रैल 2022 के बाद, उसका तहरीक इंसाफ को बहसियत जमात बहुत नुकसान हुआ है, इमरान खान साहब को भी और तहरीक इंसाफ को भी। लेकिन तहरीक इंसाफ उससे सीख नहीं रही है, बल्कि वो मामलात को मजीद उलझाती जा रही है अपने लिए, मुश्किलात को बढ़ाती जा रही है। अब कॉन्सिक्वेंस क्या होगा आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का? कुछ लोग कह रहे हैं कि काजी फायज ईसा साहब ने इंतकाम लेने की कोशिश की, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने उनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया था, उनको ट्रोलिंग की थी, उनको निशाना बनाया था, उनको कटारे में खड़ा किया था, तो अब वो पावरफुल हो गए हैं तो अब वो बदला ले रहे हैं। मेरे ख्याल से ये बात दुरुस्त नहीं है, लेकिन बहरहाल लोग ये बातें कर रहे हैं, किस किस का आप किसको रोक सकते हैं, किसका मुंह बंद कर सकते हैं, बहरहाल जितने मुंह उतनी बातें, तो वो ये चल रहा है। लेकिन इसके सियासी तौर पर बहुत खौफनाक असरात होंगे। जो लोग ये सोच रहे हैं कि इससे तहरीक इंसाफ का वोट और बढ़ जाएगा, तो वो गलत फहमी का शिकार है। ये बहुत बड़ा सियासी धचका है तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि सियासी तौर पे तहरीक इंसाफ बहसियत जमात अब हिस्सा नहीं ले सकेगी इलेक्शन में। उसके कौमी असम्बली के उम्मीदवार का निशान और होगा, सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों का निशान और होगा। तहरीक इंसाफ ने सारे टिकट जारी किए थे, फिर जो आज हुआ तहरीक इंसाफ नजरियाती के साथ जो एग्रीमेंट था वो मंजरे आम पे आया, वो टिकट कराए, तो जो चेयरमैन थे अख्तर इकबाल डार वो सामने आ गए, उन्होंने कहा हमने कोई एग्रीमेंट नहीं किया, और उसके बाद फिर वो एक मसला हो गया। अब जिनको वो बल्लेबाज का इंतखाबी निशान अलाट हुआ वो क्या करेंगे? गुजरांवाला के जो 5 उम्मीदवार थे कौमी असम्बली के, वो बहुत सियाने निकले, उन्होंने वक्त खत्म होने से पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही आजाद उम्मीदवार की हैसियत से निशान ले लिए, प्याले का, और किसी ने कोई ले लिया, रैकेट का किसी ने कोई ले लिया। तो इस तरह से तहरीक इंसाफ जो है वो कोहेसिवनेस जो थी तहरीक इंसाफ की वो बुरी तरह से मुतासर होगी इससे, एक जमात के तौर पर जो एक्ट करती थी वो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। और जो लोग जीत के आएंगे वो आजाद होंगे, वो आजाद होंगे, वो किसी भी जमात में शामिल हो जाए। और ये तहरीक इंसाफ कह रही है कि सोशल मीडिया के जरिए वो कैंपेन करेंगे और वो बता देंगे कि ये हमारे ठीक है, उससे तहरीक इंसाफ के लोग उनको वोट दे देंगे, जो बाकी वोटर हैं वो कैसे उनको वोट देंगे और ऐसे उम्मीदवारों को वोट देंगे? इससे ये तासुर मजीद गहरा हो जाएगा कि तहरीक इंसाफ के लिए मौजूदा सिस्टम में कोई गुंजाइश नहीं है, और एक तरह से तहरीक इंसाफ मेन स्ट्रीम से बाहर निकल गई है एक तरह से बहसीत जमात। तो जब तक ये मामला सुधरेंगे तब तक बहुत देर हो जाएगी, इलेक्शन हो चुके होंगे और मामला बहुत खराब होंगे तहरीक इंसाफ के लिए। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशस्तें नहीं मिलेंगी खवातीन की और अकलीतों की, ना सूबों में और ना यहाँ। मतलब तहरीक इंसाफ अगर तहरीक इंसाफ के लोग आजाद उम्मीदवार की हैसियत से जीत के आ जाते हैं KP असेंबली में और उनकी अक्सरियत भी होती है, तो हुकूमत कैसे बनाएंगे? उनको खवातीन की नशस्तें नहीं मिलेंगी क्योंकि वो शामिल होंगी उसके अंदर, उनको अकलीतों की नशस्तें नहीं मिलेंगी,
वो दूसरी जमातों को मिल जाएंगी जो मौजूद होंगे, जो थोड़े थोड़े वोट लेके आएंगे, लेकिन वो उनके अंदर तकसीम हो जाएंगी। और वो कम होते हुए जनरल रजिस्टर कम रखने के बावजूद असेंबली में अपनी अक्सरियत बना सकते हैं इत्तेहाद करके, तरीके साहब को बाहर रखने के लिए। तरीके साहब के लोग शामिल हो सकते हैं इस हुकूमत में अपनी पार्टी को छोड़ के, क्योंकि पार्टी डिसिप्लिन में नहीं होंगे, उनके ऊपर 63A का इतलाक नहीं होगा। 63 जो आर्टिकल है, जो उसकी तशरीह की थी जस्टिस मुनीब अख्तर ने और उमर अतिया बंदयाल ने और जस्टिस याजुल अहसन ने रिटायर्ड ने, वो अब नहीं चलेगी, उसका इतलाक ही नहीं होगा। तो वो ये बहुत ही एक खौफनाक सूरत हाल में तहरीके साहब ने अपने आप को फंसा लिया है, वो यहाँ तक ले आई है तहरीके साहब अपने आप को। तहरीके साहब के पास मौका था कि वो मामलात की संगीनी को समझती, उसकी क्यादत बैठती सर जोड़ के, वो दूसरी सियासी जमातों के साथ जो है वो मुखलसाना तरीके से बातचीत करती, अपने आप को इस बहरान से निकालने की कोशिश करती, एस्टेब्लिशमेंट से बात करती, तो ये मामलात बेहतर हो सकते थे। ये जो बहरान है ये इसकी शिद्दत कम हो सकती थी। तहरीक इंसाफ को पूरा मौका नहीं मिलता तो कम से कम 50 या 60% मौका तो मिल जाता है इलेक्शन लड़ने का और उसको जीत का, और ये सारे मामलात नहीं होते। तो कुछ होते हैं आइडियलिज्म सियासत में, एक होती है ग्राउंड रियलिटी, ज़मीनी हकायक। जब तक इन दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन ना हो आप कामयाब सियासत नहीं कर सकते। आपको ज़मीनी हकायक को जहन में रखना होता है और अपने आइडियलिज्म को भी बचाना होता है। आप उसको कुर्बान नहीं करते, लेकिन आप आइडियलिज्म को जो ज़मीनी हकायक हैं उसके साथ मिला के फिर अपने लिए हकमत अमली बनाते हैं सियासी, फिर रास्ता निकालते हैं अपने लिए। वो तहरीके साहब नहीं निकाल पाई और तहरीके साहब दलदल में धंसती गई धंसती गई। और आज का ये फैसला बहुत बड़ा है, मैंने बार बार कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा सियासी धचका है तहरीके साहब को, इसका बहुत ज़्यादा सियासी नुकसान होगा इस बात इस फैसले का, और तहरीके साहब के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इलेक्शन लड़ना। क्योंकि आप जब अब पता चल गया कि पार्टी तितर बितर हो गई, पार्टी ही नहीं रही एक तरह से मैदान में, तो फिर लोग पैसे क्यों देंगे, लोग जो हैं वो किस तरह से कैंपेन करेंगे, क्या सारे तहरीक साहब का वोटर वोट दे देगा, इसमें कोई शक नहीं है। जहां तहरीक साहब का वोटर ज्यादा है वहां से वो जीत भी जाएंगे, आज़ाद हैसियत से भी जीत जाएंगे, लेकिन जो बाकी वोटर को कैंपेन करनी है, जो नेशनल टीवी पे कैंपेन होनी थी, अब क्या होगा, किस तरीके से तहरीक साहब वो करेगी, मेनस्ट्रीम मीडिया से मुकम्मल तौर पर आउट हो जाएगी। अब इस फैसले के बाद तहरीक साहब का कोई कानूनी अहदेदार नहीं है, ना कोई सदर है, ना सेक्रेटरी है, ना चेयरमैन है, अब कोई अहदेदार नहीं है तहरीक साहब का। तो अब उसको दोबारा से फिर इलेक्शन करवाने होंगे या जो भी उसका एक प्रोसेस होगा वो इलेक्शन कमीशन बताएगा कि किस तरीके से होगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ा धचका लगा है आज तहरीक साहब को। तहरीक साहब को अब सोचना चाहिए इस सारे मामले में कि अब आगे कैसे बढ़ेगी, किस तरह से अपनी सियासत को आगे बढ़ा पाएगी। क्योंकि अगर ये फैसला कोई 2-1 से आया होता तो फिर कहा जा सकता था, लेकिन मुत्तफिका फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, और ये तो नहीं हो सकता कि अगर काजी फैजी साहब ने इंतकाम लेने की कोशिश की है तो बाकी दोनों जजेस ने भी इंतकाम लेने की कोशिश की है। वो दोनों इंडिपेंडेंट माइंड के जज हैं और उन्होंने अपना माइंड अप्लाई किया और मुत्तफिका फैसला दिया। क्योंकि फ्लॉज हैं, बहुत ज़्यादा फ्लॉज हैं। मतलब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी देखें टेक्निकल फ्लॉज थे, इलेक्शन सही नहीं कराए थे, ये बात ठीक है, लेकिन ये टेक्निकल कानूनी बुनियाद, कानूनी बुनियाद नहीं है, ये बेसिस है। आप अपने इलेक्शन ठीक नहीं करा सकते, आप जमहूरियत को इस मुल्क की कैसे चलाएंगे, आप बाकी कैसे तवक्को करते हैं, आप अपने इलेक्शन ठीक नहीं कराते और तवक्को करते हैं कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन होंगे मुल्क में, आप अपने इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं करा सकते। मतलब क्या हो जाता अगर बैरिस्टर गौहर अली के मुकाबले में अकबर एस बाबर या कोई और खड़ा हो जाता, क्या वो जीत सकता था, नहीं जीत सकता था। चंद हजार लोग तो आप पेशावर में इकट्ठे कर सकते थे ना, वो उनको वोट डालते, वो उनको हिस्सा लेने देते, आप जो तरीका होता है अगर कोई लड़ना चाहता है तो वो लड़ ले, लेकिन आपने उसका मौका ही नहीं दिया। तो ये जो सारा मामला था और फिर जिस तरीके के साथ इलेक्शन अपने ही आइन की वायोलेशन की है, तो वो नहीं हो सकता था। क्योंकि इसके ऊपर आए आइन और कानून, आइन के ऊपर बात की, फंडामेंटल राइट्स की बात की, पॉलिटिकल पार्टीज के राइट्स की बात की उन्होंने, उस पर ऊपर जो है वो बेंच ने कहा कि जी हमें कोई मसला नहीं, हम आपसे इत्तफाक करते हैं इन सब बातों पर, लेकिन आप आइए हमें बताइए, सेटिस्फाइज कीजिए, डॉक्यूमेंट्स दीजिए कि क्या आपने इलेक्शन करवाया या नहीं करवाया। अब पार्टी के आइन में लिखा हुआ है तहरीक इंसाफ की कि चेयरमैन का इलेक्शन बराह रास्त रजिस्टर्ड मेंबर्स के वोटों से होगा, सीक्रेट बैलेट के जरिए। आप वही करा लेते, आप बाकी अनपोज करवा लेते, वही इलेक्शन करवा लेते, वो कार्रवाई तो होती, आप ऑनलाइन करवा लेते, लोग वोट दे देते तहरीक इंसाफ के जहां भी वोटर्स थे, आपने वो भी नहीं किया। तो ये तहरीक इंसाफ खुद इस हाल इस जो सारी सूरत हाल है इसकी जिम्मेदार तहरीक इंसाफ खुद है। तहरीक इंसाफ खुद अपने आप को यहां तक लेके आई है जिसकी वजह से ये हालात हुए हैं।
आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।